प्रशासन गांव और शहरों के संग अभियान और सीएम गहलोत खुद करेंगे अभियानों की सघन मॉनिटरिंग। आपको बता दें कि खुद गहलोत कर सकते हैं औचक निरीक्षण हेलीकॉप्टर से किसी भी जिले में किसी भी वक्त यहां पर सीएम गहलोत पहुंच सकते हैं और शिविरों में प्रभारी मंत्री भी जाएंगे। आपको बता दें कि अपने प्रभाव वाले जिलों में यहाँ पर जो मंत्री है वो पहुंचेंगे प्रभारी मंत्री और इसके साथ ही सीएम गहलोत किसी भी वक्त किसी भी जिले में जाकर वहां का निरीक्षण कर सकते हैं, सघन मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 अक्टूबर से जो अभियान है वो शुरू होने जा रहा है प्रशासन गांव और शहरों के संग। और हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ गया है। नरेश, क्या कुछ पूरा मामला, क्योंकि कुछ ही वक्त जो है वो बच गया है अभियान को शुरू होने में और ऐसे में अब जो सीएम है वो खुद सघन मॉनिटरिंग करेंगे। देखिए, 2 अक्टूबर से ये राज्य स्तरीय अभियान है प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग, और खुद मुख्यमंत्री गहलोत इस अभियान को लेकर काफी गंभीर है। अभी भी मुख्यमंत्री आवास पर एक छोटी बैठक हुई है जिसमें राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को भी बुलाया गया है, क्योंकि 2 अक्टूबर के बाद राज्य स्तरीय समारोह के बाद में तमाम मंत्री है उनको भी जिम्मेदारी दी गई है कि अपने प्रभार वाले क्षेत्र में जाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। और इसके बाद क्योंकि अभियान लंबा चलेगा, ऐसे में इस तरह का भी कार्यक्रम बनाया जा रहा है कि खुद मुख्यमंत्री गहलोत है वे भी इस अभियान का औचक निरीक्षण करें और हेलीकॉप्टर के माध्यम से किसी गांव में जाके जहां पे कार्यक्रम चल रहा अभियान चल रहा है, जहां जनता को सौगातें दी जा रही है सरकार के किस विभागों के आपसी समन्वय से जनता के काम हो रहे हैं, तो वहां का निरीक्षण भी किया जा सकता है। हालांकि अभी इस बारे में एक्सरसाइज चल रही है और क्योंकि अभी अभियान लंबा चलेगा, ऐसे में अगले महीने का किसी भी दिन एक दिन निर्धारित हो सकता है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद भी जाकर इस अभियान को देखे। हालांकि उन्होंने तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगा दी है कि मंत्री है वो अपने प्रभार वाले जिलों में भी जाएंगे, अपने विधानसभा क्षेत्र में भी जाएंगे, विधायकों को भी मुख्यमंत्री ने कहा है। चलिए नरेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया।